ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ चल इत डे चल साबा ने मेथी ला के रखी है उपर धूप है बड़ी जबरदस्त छत के ऊपर बैठना और इस तरह से जो है ना याद आ गया अभी साबा फ्रूट काट के ला रही है बीबी छुरी भी है तू भी खा लेना सी अबूजी को लेके जाना है अबू नहीं ना आराम आया तीन दिन मैं कान से ड्रॉप पाए ने ताडे कोई नहीं आराम आया आज उड़ बखाना है जाके दवाई देगा डॉक्टर तीन दिन की दवाई देगा ठीक हो जानी है तबीयत चलो कोई थोड़ा झूठा भी लेने बारो डॉक्टर को दिखा लिया अबू जी को कंज इन्फेक्शन हुई है हेलो होली कितना तड़ा कान चंगी तरह चलो हेलो रो चलो ठीक हो जाए अस्सलाम वालेकुम जी तबीयत ठीक नहीं है ब्लड प्रेशर बहुत हाई है फिर अब जा रही हूँ हॉस्पिटल जाके चेक कराऊं कितों मुसीबत मेरे पै गई पिछे अबू भी डर गए ने हुण फिर लेट जाओ तुसी तुसी लेट जाओ मैं आनी हां तेरे तो है की हो ओ अंजी मेनू हुन थोड़ा जा होया ना मैं के मैं चेक करा लवा ना जाके राती बोती ना खराब हो जे तबीयत आनी हां फिर कल रात को जा ए इत्थे जिदे कोल उस दिन गए सा बैठा है डॉक्टर साबा गई है बुलाण नेबर्स के साथ जा रहे हैं अब देखें जी ब्लड प्रेशर चेक होने लगा आयशा से मिलवाएंगे हम आपको किसी और दिन अभी तो हालत बहुत बेहतर है मेरी मेडिसिन खाई थी और अब चेक करने लगे हैं कि कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है ना थैंक यू सो मच थैंक यू आ जाए सब बेल बजा दो बजाइए जी हम आ गए वापस आज लेटे नहीं तुसी कोनी ठीक है वेखो जी इत्थे आ गए भाईजान सुबह सुबह ही उन्होंने पता चलिया सी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं सी ते अब्बू जी भी हैरान हो गए वेख के है तू सवेरे सवेरे कित्थों देख लो ऐ प्यार हुंदा है कि भैन भरा जिहड़े ने एक दूजे की तकलीफ का पता लगे तो बस फटाफट सुबह आ गए और अबू जी भी खुश हो गए ओके चलो आ जाओ अबू नाश्ता दवा दूध पीना जे अच्छा चल दूध का कप गर्म कर दो हुण दवाई पाई है ना कान च आराम आ जाएगा हाँ कौन कहना इन्फेक्शन होया है कान दे विच तां दर्द हुंदी सी हैं
अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? देखें ये शॉल, ये मेरी बाजी मेरी कजन कल वो लेके आई है। मैं उन्होंने मैंने वेख्या ना पुरानिया चादर उत्ते लाके फिर दिया। टाइम नहीं होता जाने का। मैं जाके साबा नाल ले वा अंडे, अंडे ले वा साबा नाल जाके। मैं ना जावा? नहीं, चक्कर लानी है ना। टैग भी लगा है? नहीं। अच्छा साबा, इधर अंडे ले आ जाके। तो उन्होंने देखा कि मैंने ना पुरानी चादरें ली हुई है, कभी कोई दुपट्टा ही ना के जो इधर पड़े हुए थे, तो वो फिर कल लेके आएंगे। मेरा तो बाजार जाना हुआ ही नहीं, ना कहीं निकलना हुआ। तो थैंक यू बाजी, बड़ी वधिया शॉल है, मैं ले ही उत्ते वेखो किड्डी सोहनी लगती पई। आ जा ले, ये फिर आके कर ली। आ जा आ जा, ब्रेड भी ले आने वाली है। ठीक है, चल थोड़ी सी बाहर सैर भी हो जाएगी हमारी, और आज तबीयत भी कुछ बेहतर है, मेडिसिन जो है वो शुरू की भी है। चल आ जा। बड़ी अच्छी निकली है धूप आज, है ना? किड्डी सोहनी निकली। ते जड़े नहीं कमाल कर सकदे। हां, इन्हां दे दुआवां लगदे। आ पिंडन वाले दी की दुआवां लगदियां भाई? हां, ए ते सारी मिट्टी आ, मिट्टी है सारी इधर। गड्डी आंदी है। अंडे? हां, मेरे कोल पैसे नहीं है। चल आ, चल चल। धूप अच्छी निकली हुई आज, और हम अंडे लेने गए हैं, दही लेने गए हैं, दूध हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी मुझे पहचान लिया। हैं, मैं क्या, बच्चे भी देखते हैं चैनल, देखें जरा। आहो, इतनी ट्रैफिक हो गई है। चल बेल बजा, बेल बजाएगी साबा। आ जा, ये रियाज वगैरह ने फिर आना होता ना, वो नाश्ता करती अंडों का, तो साढ़े जोगे तो है सन, उन्ना जोगे को नहीं सन। मैं क्या लै ये जाके इत्थे जी किचन च फिर नाश्ता बनाना शुरू मैं किया, क्योंकि अब्बू जी मैनू कहंदे ने कि तू नाश्ता ना मेरे नाल ही करिया कर, और रियाज वगैरह आती हैं लेट, 8:30 बजे तक वो आ जांदियां ने, पर अब्बू को नहीं फिर वेट हुंदा कि मैं इन्ना देर वेट करा। तो मैंने अपना और साबा का बनाया नाश्ता, और थोड़ा सा मैं डालती होती हूँ देसी घी, और ऑमलेट जो है वो बनाया। पाकिस्तान आके ना मैंने पराठा तो ऑमलेट बड़ा ही सोहना लगता है। साबा यहाँ पे अपना दही डाल रही थी, इनू दही बड़ा चंगा लगता है, तो मैं क्या चलो जी बना लूँ। और इतनी देर में जी बाहर रियाज वगैरह वो भी आ गई, वो भी आके वेख के मैंने परेशान हो गई कि हैं तुसी नाश्ता बनाना शुरू किया है। हाँ, मैं क्या ला साबा भी खाँदी पई है बह के। चाह अबू बनानी है, हमने नाश्ता कर लवा ना फिर बनानी। तुसी पीनी चाह? अच्छा बनाने। सेन जो है धुल रहा है, देखें सफाई हो रही है। फ्रिज चढ़ा दे। चल देखें जी बाहर हो रहा है काम। सब तेरी चाह पई है, चीनी पा ली, चीनी को नहीं पाई मैं। मेरी चाय देखें कितनी अच्छी बनी है। रियाज वगैरह कर रही है सफाई, आज सेन धोया है। सब धुप निकलेगी ना, मेरे सिर च तेल लाना ही आज है। सिर च तेल लाए मेरे, आहो सिर च बड़ा कुछ है। सिर च बड़ा कुछ बड़िया है सब। नहीं नहीं जुआ नहीं। नहीं नहीं जुआ नहीं,
अज साबा को सिर च मालिश करानी। ਅਸੀਂ ਆਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੀ ਕਿਚਨ ਚ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ। ਉਹ ਸਾਬਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਲੰਮੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਇੰਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਣਾ, ਆਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ ਮਾਜੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਆਬੂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਰੋਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। तू ना वैसे डॉक्टर नु जाके अपना गला बखा। मैं डॉक्टर जाहद नी। हां कबलों नु चेक करवाना रे, आज चेक करवा के सिर्फ नीचे नु। हां गल कर के आई। हां हां तो कहंदे से तू सी ले आया कि मैं देखा। हां ते तेरी आवाज ही बंद हो जांदी है। तेरी आवाज एकदम बंद हो जांदी है। हां ते जब मेरा सुननी है ना, मैं रात को मेरे से तो सांस आ गया। हां मेरा गला खुश्क हो जांदा। हां बखाई जाके खुद उतर दी वजह से 500 रुपया फीस है, तो मैं के फिर आज चेक कर ली। हां कहते ठीक है। इसमें रखी जाने लगी है जी दाल है साबा, दाल खानी आज। नहीं एक दिन बाद आ गई है। हाँ कल ओ कल नहीं आई, बस रियाज ओ दवाई लेन गई सी। नहीं परसों आई सी। सालन पिया कोई सालन कद्दू का? वेख ला सालन कोनी ते अपना नाश्ता आबू जी बना लगी ने। किले च रख दी है दाल, की दाल रख दी इन्होंने उपर। वधिया बने पराठे नाजुक ने। ये देखिए वो नाश्ता बना रही हैं। अब अबू जी ने ना उनसे भी ऑमलेट लिया थोड़ा सा। ये पराठा पहले का पड़ा था। अच्छा बहंदे नहीं तेरे को अंडा लैन वास्ते है। उन्होंने पता होंगे हूँ रियाज ने नाश्ता करना है आके। रियाज को मैं थोड़ा जा ले ही लवा ऑमलेट। हाँ थोड़ा जा दही बस। ए चल बस 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 चल। नहीं नहीं वह पराठा पहला पिया से, तो खाओ अपना नाश्ता है फिर निकल लग पी है। हाँ ध्यान नाल कि सिर च ना पै जावे तेरे दाल सारी। हो गई है मकैनिक हो गई है। ओ वे हैं दाल दा वेखे की बनया। गली नहीं हले नहीं, दाल ऐसे पक्की है। हाँ। बस इंजी पकन दे हुण आहो वेट तो बगैर ही रहन दे बस। ए नहीं इहदे च अज कोई करतूत काम दी अचार। अबू ने अज वेखी ही अचार भी पे आए ता लालो बुरकी चार दी। ए वेखिया ओ जीरो ए वे चलो मैं आमलेट लाओ नाल खेल लगे उत्ते जाके। हां जी धूप लगी है। चार पाई आपको कुर्सी पा लेने हैं। चार पाई किथे रखेंगी? कुर्सी पा लेने हैं उत्ते। हां तेल दी मालिश करके सिर भी ते सारी जसम की मालिश करके कुत्ते दुख सेक दे फिर नहा लेना कुत्ते होर पा लेना। तो आई है मालिश करके? नहीं मैं तेल ढकना खोलने लगे सब तो खोल गया बिचो ने सी ओना के बिचो सुला के तेल आ गए। अच्छा ए तेल आप ही बनाया ही मोल लिया मैं तो 100 दा। अच्छा 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 कल ले आई से गली तो लेके आई सा ते ए लेके आना। अच्छा अच्छा उठो उठा फिर थले ठंड है ना दुपते साथ तो सेकना। हाँ। तेल मालिश कर लेना। हाँ लेना। अच्छा चल ठीक है चलिए फिर चलें जी मैं और साबा जा रहे हैं ऊपर। कंगा रहन दे। हाँ जी
ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਆਈ ਜਰਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਬੂ ਆਪੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੀ, ਡਿੱਗਣਗੇ ਕਿਧਰੇ। ਹੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਧੁੱਪੇ। ਆਹੋ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਾਂ, ਛੱਡੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਸਭ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਉੱਪਰ ਚਲ ਕੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਧੂਪ ਮੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਧੁੱਪੇ, ਲਿੱਥੇ ਬੰਨੀ। ਚੱਲ ਤੇਲ ਲਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇਲ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਾਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਤੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪੇ ਮੰਜੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਟੇ ਖਾਣੇ, ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣਾ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਇੰਝ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਜੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਸਾਬਾ ਲਿਆਈ ਜੀ ਮੰਜੀ, ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੁਛ ਕਲਿੱਪ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਥੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਬਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਸਾਬਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਕੀ ਮੇਡ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਤੋਂ ਉਸਕੋ ਸਾਥ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਿਲਾਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋ, ਸਾਬਾ ਦੇਖੇ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ,
मालिश की थी। अच्छा बस चली गए थले है नहीं नहीं थोड़ी देर अबू पर आ जाएंगे ना हाले तो बाहर बैठे ने चली गए वो देखे अबू जी बैठे हैं बाहर ना खुशा के बड़ा जापानी फल नहीं नहीं ये पढ़ दो बाहर इतनी ट्रैफिक हो गई है जिदा कोई हिसाब नहीं बस जी आज सुबह की बस होश नहीं आ रही ऐसे ही है तो अभी आई थी किचन में अबू जी को दूध दिया यहाँ से मेडिसिन दी है बड़ी आबादी है नहर पार आबादी हो गई है पिंड के लाल लाल लग गया है शहर बहुत आबादी है भरा पिया सारा सबा कैसे ने सही है शरजन बहुत चंगे पके हैं मजेदार हां मजेदार है ए मेरे ये खराब खांदी है हल्ले भी पंदी जे शेर नु आवे है ऐने पंदी किसे वेले ए कान दी वजह तो हां तने दवाई दीती ना तने हुन मैं दवाई दीती है हुन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा राती भी सही रहेगा चले जी साथ ही जाते हैं जान जाते हैं जेल लगा।